हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल हम और हमारा हिमाचल। और कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप लोगों से कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये देखिए, अभी साथ में मैं बनाने जा रही हूँ ये ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं बनाऊँगी आज सैंडविच, ब्रेड सैंडविच बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने आलू जो वो मैश कर लिए हैं पहले ही, और अभी डाल दिया मैंने ये तड़का, और तड़के में मैंने डाल दी थी जीरा और हल्दी डाल दी थी, और अभी ये आलू जो वो इसमें डाल दिए मैंने। उसके साथ ही सारी इसमें सॉस वगैरह डालूंगी, सारी सॉसेज जो भी हैं, चिल्ली सॉस, टमाटो सॉस, सोया सॉस, और डालूंगी विनेगर। और विनेगर डालने के बाद फिर ये सारी मिक्स कर लूँगी मैं, ये जो मिक्सर आलू का बन रहा है इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और सब चीज़ें डालने के बाद नमक डालूंगी, फिर मिर्ची नहीं डालूंगी क्योंकि चिल्ली सॉस डाल रही हूँ मैं इसमें, तो मिर्ची नहीं डालूंगी, और अच्छे से मिक्स कर लूंगी अभी इसको चम्मच से मैं। और अभी लास्ट में मिला दूंगी, मिला दी फिर मैंने ये चीनी मिला दी मैंने, क्योंकि खट्टी मिट्टी जो इसका ये मिक्सर बनेगा ये बहुत ही टेस्टी लगता है ब्रेड सैंडविच में। तो बस ये मेरा मिक्सर हो गया है तैयार, तो अभी बस मैं ले लूँगी ब्रेड और बस इसको बना लूँगी सैंडविच को। तो ये देखिए, ये ब्रेड लिए हैं मैंने, ब्राउन ब्रेड, और अभी इनको मैं अच्छे से भर लूँगी, इस मिक्सर को भर लूँगी और बस बन जाएंगे। फिर ये देखिए, ये मैंने रख दिए सैंडविच मेकर में, और ये देखिए ये तैयार हो गए मेरे सैंडविच, और इसके साथ ही फिर हो जाएगा हमारा ब्रेकफास्ट। और इसके बाद फिर ये देखिए, बाकी सारे काम करने के बाद, छोटे मोटे काम करने के बाद फिर मैं अभी आ गई हूँ किचन में लंच बनाने। लंच बनाना तो अभी लेट है, लेकिन मेरे को दाल बॉयल करनी है, और आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंग की हरे मूंग की जो दाल होती है और ही वाली, वही दाल बनाने जा रही हूँ आज मैं। ये ना हिमाचल में धाम में बनाई जाती है ये दाल, मूँग की दाल खट्टी बनाई जाती है, खट्टी मिट्टी, और ही लगाई जाती है इसमें। तो इसके लिए मैंने ये दाल ले ली है, धो के मैंने कुकर में डाल ली है मूँग की दाल, और उसके साथ डाल दिए मैंने ये तेज़पत्ता और दालचीनी के डाल दिए छोटे छोटे दो टुकड़े, और पानी डाल के फिर मैंने ये हल्दी और नमक डाल दिया है इसमें। और अभी इस दाल को मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी, और दाल को जब एक सीटी आ जाएगी ना, उसके बाद फिर मैं इसको कम आँच, बिल्कुल कम आँच पर पकाऊँगी, 20-25 मिनट तक पकाऊँगी। एक सीटी आने के बाद फिर मैं कम आँच कर दूँगी, और 25 मिनट के बाद पकाने के बाद ये देखिए मेरी दाल जो बिल्कुल अच्छे से गल गई है, पर ये सूखी है, मतलब इसमें पानी डालना पड़ेगा। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, ये देखिए मैंने फिर से इसको रख दिया है दाल को बोलने के गैस के ऊपर, और ये मिला दिया मैंने पानी, और अभी अच्छे से इसको दाल को फिर से मैं उबाल लूँगी। और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें इमली का पल्प, इमली को भिगो के मैंने पल्प बना लिया था, तो अभी उबालने के बाद डालूँगी, उबालने के पहले नहीं डालना है ये, जब दाल उबल जाएगी तो बस अभी इसी टाइम पर इसको ऐड करना होता है इमली का पल्प। तो बस अभी अच्छे से इसको 2-3 उबाल आने तक मैं पकाऊँगी इस दाल को, और तब तक तैयार कर लेते हैं ओरी, जो ओरी होती है ना इसको राई बोलते हैं, पर हमारे हिमाचली लैंग्वेज में इसको हम ओरी बोलते हैं। ये सरसों के दाने के जैसे दाने होते हैं, पर छोटे होते हैं, सरसों के दाने से छोटे दाने होते हैं, मिल जाएगी आपको किराने स्टोर में, मिल जाती है बाज़ार में। तो बस ये ओरी लेके इसको ना मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी मैं, और ये ले लिया मैंने दही, और ये डाल दी फिर मैंने आधा चम्मच इसमें डाल दिया ओरी का, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मैंने आधे से भी आधा ही चम्मच डाला है। और इसको बस थोड़ी देर ऐसे मिक्स करके रख दूँगी इसको 5-10 मिनट के लिए, अच्छे से इसको दही में डाल के रख दूँगी एक साइड में, और दूसरी साइड मेरी दाल जो वो कर रही है, पानी डाल दिया मैंने उसमें मैंने डाला है वो इमली का पल्प, और वो दाल जो मेरी कर रही है। तो ये देखिए, ये मेरी दाल, ये दाल ना ज़्यादा पतली नहीं होती है, गाढ़ी गाढ़ी दाल बनती है ये। तो ये देखिए अभी कर रही है मेरी दाल ये, और ये देखिए अभी ना दाल कटने के बाद फिर मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। ये देखिए ठीक होगी ये मेरी दाल, ना पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी है, ये ऐसी ही होती है, ये दाल पतली नहीं होती है। तो बस इसमें तड़का लगाने के लिए अभी मैंने आँच जो वो बंद कर दी है, अभी लगाऊंगी मैं इसमें तड़का। तो तड़का लगाने के लिए ये मैंने रख दिया है पैन गैस के ऊपर, अभी इसमें डाल दूँगी मैं तेल, क्योंकि ये दाल खट्टी बन रही है तो इसमें तेल का ही तड़का लगेगा, घी का तड़का नहीं लगेगा, खट्टी चीज़ों में तेल का ही तड़का लगाते हैं हम लोग। तो बस फिर इसमें जीरा डाल दिया, और थोड़ा सा हींग और मिर्ची डालूँगी मैं, साबुत मिर्ची, बस फिर मेरा तड़का हो जाएगा तैयार। मेरा जीरा जो है वो पक गया, तो अभी मैं आँच कर दूँगी बंद बिल्कुल, नहीं तो जो मैं बाद में डालूँगी मिर्ची वगैरह वो जल जाएगी। तो अभी मैंने गैस बंद कर दी है, और इसी गर्म तेल में ही पक जाएगा मेरा, मिर्ची भी पक जाएगी, और जो मैंने हींग डाला वो भी हो जाएगा। तो बस फिर अभी ये मेरा तड़का हो गया है तैयार,
हो जाएगा तैयार, तो फिर मैं डाल दूंगी दाल में, तड़का लगा दूंगी। दाल को मैंने बंद कर दिया, गैस पर नहीं रखा है, अभी आंच बिल्कुल बंद कर दी है दाल की, क्योंकि दाल मेरी तैयार हो गई है। और बस तड़का तैयार होने के बाद मैं उसमें लगा दूंगी तड़का। और मसाले तो उसमें कई डाल देते हैं, जैसे हम हिमाचली धाम में ये होता है ना कि अलग अलग मसाले पीसे होते हैं, जैसे धनिया पाउडर अलग होगा, जीरा पाउडर अलग होगा, काली मिर्च का पाउडर अलग होगा, वो अलग अलग डालते हैं। पर यहाँ पर मैं गरम मसाला ही डालूंगी, क्योंकि अलग अलग पीसे हुए मसाले मेरे पास नहीं है। तो ये देखिए, ये लगा दिए मैंने तड़का दाल को, और बस दाल जो वो मेरी हो गई है तैयार। इमली मैंने डाल दी है, पर अभी मेरे को डालना इसमें गुड़। तो अभी डालूंगी मैं इसमें गुड़, क्योंकि दाल अभी जो वो गर्म है तो गुड़ जो वो मेल्ट हो जाएगा इसमें। और ये देखिए, अभी डाल दी मैंने इसमें मिर्ची, और मसाला डाल दूंगी मैं गर्म मसाला, अलग अलग मसाले मैं नहीं डालूंगी इसमें। बस ये मिर्ची डाल दी और गर्म मसाला डालूंगी, हींग मैंने डाल दी पहले। तो बस फिर इसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसमें मेरे को डालना है गुड़। गर्म है दाल तो गुड़ जो इसमें मेल्ट हो जाएगा अभी, और बस फिर दाल मेरी हो जाएगी पक के तैयार। उसके बाद इसको फिर हमें ठंडा करना, ठंडा करने के बाद फिर वो जो राई पाउडर मिक्स किया है दही के साथ है वो डालना है हमारे को। तो ठंडी दाल में डाला जाता है वो, गर्म दाल में नहीं डाला जाएगा। तो बस अभी ये मसाले मैंने डाल दी है, अभी मैंने ये डाल दी देखो, कसूरी मेथी मसाले, मिर्ची और कसूरी मेथी डाल दी मैंने। अभी बस इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और अभी डालूंगी इसमें मैं गुड़। ये देखिए, ये ले लिया मैंने गुड़, शक्कर भी डाल सकते हैं आप लोग और गुड़ भी डाल सकते हैं। तो बस इसको डाल दूंगी और बस छोड़ दूंगी अभी दाल को मैं ठंडा होने के लिए। इसको जाली वाला ढक्कन लगा के ना फिर रख दूंगी आधे घंटे के लिए। फिर आधे घंटे के बाद बिल्कुल ठंडी नहीं करनी है, बस हल्की सी गर्म होगी दाल तो हम डाल देंगे फिर दही वाला जो हमने रखा है वो ओरी लगा के राई डाल के। तो बस फिर इसको हम अभी रख देंगे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। और ढक्कन खोल के ना बीच बीच में इसको चलाते रहना है ताकि जल्दी से दाल जो वो ठंडी हो जाए। ढक्कन नहीं, अभी इसमें जाली का ढक्कन लगाऊंगी मैं और बीच बीच में चलाती रहूंगी कि ताकि दाल जो वो जल्दी से ठंडी हो जाए। तो बस ये देखिए, अभी आधा घंटा मेरे को हो गया है। अभी देखिए दाल जो वो हो गई है ठंडी, बिल्कुल ठंडी नहीं है, हल्की सी गर्म है। और अभी डाल दूंगी मैं इसमें ये वो दही में जो मैंने राई डाली हुई थी और ही डाली हुई थी वो डाल दूंगी मैं। ये देखिए, ये फूल गई है और इसमें डाल के। तो बस ये डाल दूंगी, अभी मिक्स कर दूंगी मैं और फिर बस हो जाएगी हमारी दाल तैयार और हमारा लंच भी हो गया है अभी तैयार साथ में। तो आ जाइए फिर आप लोग भी कर लीजिए हमारे साथ लंच। और ये दाल ना बहुत ही मतलब टेस्टी बनती है, खट्टी मीठी दाल होती है और टेस्टी बनती है बहुत ज़्यादा। धाम में भी जब बनती है ना तो सभी लोग को पसंद करते हैं धाम में भी खाना, कांगड़ी धाम में तो ये ज़रूर बनती है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल हम और हमारा हिमाचल। और कैसे हो आप सभी लोग, आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। और आज है वीरवार और अभी हो रहा है शाम का। देखिए आज मैं ये कौन सी सब्जी काट रही हूँ, तो ये देखिए आज मैं ये लौकी और घिया की सब्ज़ी काट रही हूँ, क्योंकि ये बड़े दिन हो गए थे बाज़ार से लाए हुए मेरे को, 3-4 दिन और ख़राब हो जाती है फिर रखे ये। तो मैं दोनों चीज़ें ही काट लूँगी। ये देखिए लौकी को ऐसे काट ली और घिया ये है, लौकी को ऐसे काटा है मैंने, उसका मैंने बनाने हैं पकौड़े, कचरू बोलते हैं हम लोग लौकी के कचरू, तो वही बनाऊँगी मैं। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने डाल दिए ये बेसन, लौकी जो काटी हुई थी मैंने
उसमें ये बेसन ऐड कर दिया है मैंने, और उसके साथ डाल दूँगी इसमें मसाले में नमक, हल्दी, मिर्च और अजवाइन डाल दी मैंने ये, और ये डाल दिया मैंने मसाला, और इसके साथ ही डाल दूँगी फिर ये हल्दी, नमक, मिर्च सब कुछ डाल दूँगी, राई वो डाल दूँगी मैं, कसूरी मेथी, और बस अच्छे से मिक्स कर लूँगी, अच्छा से इसका पेस्ट बना के फिर इसको करना होता है फ्राई। तो ये देखिए ये डाल दी मैंने कसूरी मेथी, और अभी अच्छे से इसको कर लूँगी मैं मिक्स, इस सारे पेस्ट को अच्छे से पानी डाल के मिक्स कर लूँगी, और बस फिर इसको फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद तैयार हो जाएंगे हमारे लौकी के पकोड़े या कचरू, हम लोग कचरू बोलते हैं इसको कांगड़ा में, लौकी के कचरू। तो ये देखिए तैयार हो जाएंगे फिर इसके बाद, और साथ में हो गई हमारी दाल और साथ में होंगे ये कचरू, और हो जाएगा फिर हमारा डिनर। उसके बाद बनानी फिर मेरे को इसको फ्राई करने के बाद फिर मेरे को चपाती बनानी है, और बस फिर दाल को तड़का लगा लिया है मैंने। तो ये देखिए तेल मेरा हो गया गर्म, अभी डाल दूँगी इसमें मैं ये, और बस ऐसे ही फ्राई करते जाएंगे इसको अच्छे से, हल्की आंच में फ्राई करना है इसको, ज़्यादा तेज आंच नहीं रखनी है, मीडियम आंच में करना, नहीं तो बाहर से बेसन पक जाएगा और अंदर से लौकी जो वो कच्ची रह जाएगी, तो इसलिए इसको मीडियम आंच पर पकाना है, बहुत तेज आंच नहीं रखनी है इसके लिए। तो बस ये देखिए फिर हो गए मेरे तैयार हो गए, अभी इनको निकाल के फिर मैं दोबारा डाल दूँगी। और फिर ये कचरू ये पकोड़े बनने के बाद फिर अभी मैं बना लूँगी चपाती, और फिर हो जाएगा हमारा डिनर। तो कैसा लगा आपको फिर मेरे ये ब्लॉग, अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ब्लॉग को वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।